थैंक यू सो मच राबिया, वेलकम बैक अगेन। हम मजीद बात करेंगे इस मौजू पे। मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियो में कुछ बातें बताई हैं आप उनको समझोगे, और सीधी गल है कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये वो मसले हैं जो हल हो चुके हुए। मैं आपको बताता हूँ कि ये वो मसले हैं जो कि हल हो चुके हुए। हमारे पास वो मसले अब हैं जिनके ऊपर हमें हल करना है। तो जो मसले हल हो चुके हुए हैं ना, उनके ऊपर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मॉडलिंग करो, पहले अपना एक मॉडल बना लो कि मैंने ये मॉडल है मेरा, ये चार या पांच या छह या सात शख्सियात हैं, एक शख्सियत नहीं काम करेगी। इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। ठीक है, आप ये सोचोगे मैं सिर्फ एक बंदे से इंफॉर्मेशन ले लूं और उसके पीछे पड़ जाऊं, तो ऐसा नहीं होता। अब एनालिसिस करो थोड़ा सा। मैं एनालिसिस कर रहा था फिर कुछ, ये जब से मैंने ये शुरू किया तो मैं ये एनालिसिस कर रहा था कि देखो यूट्यूब उठाओ, आप अपना यूट्यूब उठाओ और स्क्रॉल करो और देखो कि यूट्यूब पे क्या क्या कुछ पढ़ाओ। मेरा लैपटॉप खराब हो गया, स्क्रीन टूट गई, ठीक है, यूट्यूब पे मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। मैंने स्क्रीन ऑर्डर की अमेजोन से, घर पे बैठ के इंस्टॉल कर लिया। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं $175 दूं और जाके स्क्रीन इंस्टॉल करूं। मेरे पास $175 नहीं है तो मैं यूट्यूब से सीख के काम कर सकता हूं। अच्छा, गाड़ी का जो आपने ऑयल चेंज करना है वो आपको सीखना है, ठीक है, यूट्यूब पे लिखो हाउ टू चेंज द ऑयल, आपको पता चल जाएगा, ठीक। लेकिन यूट्यूब पे ये लिखो कि जो कि हम उन लोगों को वक्त दे रहे हैं, अपना कीमती वक्त दे रहे हैं जिनसे हमारी अपनी जात के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं होती, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अगर आप वो करते रहोगे, मतलब वो मैं ये भी जानता हूँ कि जो लोग वो करते रहेंगे वो करते रहेंगे, चार पांच साल जाया करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि वो बात ठीक थी जो पहले थी, तो चार पांच साल के बाद फिर वो सीधे हो जाएंगे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई ये कह रहा है कि भाई अभी ये काम करना है अभी करो, ना करो भाई, पांच साल वेस्ट कर लो। पांच साल वेस्ट करने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि नहीं यार, इस तरह से तो दुनिया चल नहीं रही, दुनिया तो अब मुख्तलिफ तरीके से चल रही है, तो हमें अब अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। या फिर 18 साल का बच्चा जो है वो घर से बाहर होता है, उसकी वजह क्या है, 18 साल के बाद उसको जॉब मिल जाती है, ठीक है, वो 7-Eleven पे काम करता है, वो मैकडोनल्ड पे काम करता है, वो कॉस्को पे काम करता है, ठीक, उसको जॉब मिल जाती है। जब उसको जॉब मिल जाती है तो हम बस घर से वो टैची केस पकड़ता है और टैची केस पकड़ कर चला जाता है। और हम ब्लेस्ड है कि हमारे वालदैन हमें 35-35 साल, 40-40 साल तक हमें अपने घरों में बिठा के रखते हैं। इसमें हमारा ही नुकसान होता है, हमारी लर्निंग नहीं होती है, एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, हम लोग भी पीछे रह जाते हैं। हाँ, लेकिन यही हमारे, लेकिन इस चीज को पॉजिटिवली लो ना कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको इस बात पे वरी नहीं करना है कि आपको रेंट देना, आपको इस बात पे वरी नहीं करना है कि आपको पेट्रोल के पैसे लेने, पेट्रोल के लिए पैसे कमाने, आपको इस बात पे वरी नहीं करना है कि आपने खाना खाने के लिए पैसे लेने किसी से, आपको ये सब चीजें घर से मिल रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपने आप को ब्लेस्ड समझो। यहाँ पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अमेरिका की पूरी इकोनॉमी जो है, अब आपको ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको पता चलना चाहिए, यहाँ पर 90% मिडिल क्लास, ठीक है। अब मिडिल क्लास का क्या मतलब, तो उसके पास गाड़ी भी होती है, उसके पास घर भी होता है, ठीक है। अब और एक मजे की बात जो कि आप लोगों को जानने की जरूरत है, यहाँ पर लोगों के पास घर नहीं होता, किसी के पास, बहुत कम लोग हैं जिनके पास घर ओन्ड है, जिन्होंने घर ओन किए हुए। हमारे पास हर बंदे का अपना घर ओन्ड है, उनके मतलब प्रॉपर्टी जो है ओन्ड है, ठीक। वहां पर, यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है ओन्ड नहीं है, लीज पे। लीज मतलब आपने बैंक से पैसे लिए हुए हैं और आपने 30 साल की लीज लेकर घर लिया हो, ठीक। तो मतलब 30 साल की लीज का मतलब ये है कि आपको $2,500 $2,200 $2,000 जो है वो आपको देना है हर महीने। जब आपको हर महीने बैंक को $2,000 देना है तो आपको काम भी करना पड़ेगा। तो ये एक कल्चर चक्कर चल रहा है पूरा, जो कि समझना जरूरी है कि कैपिटलिज्म क्या चीज है। मैं पाकिस्तान में भी जब क्लासों में जाता था तो मैं कहता था भाई सेंचुरी ऑफ द सेल्फ एक डॉक्यूमेंट्री है, जाके देखो कि पिछले पूरे 20वीं सदी के अंदर क्या क्या कुछ हुआ है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट किस तरह से हमारे ऊपर असर कर रही होती है, मार्केटिंग और ब्रांडिंग क्या है, आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी। और मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया की किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान,
टेक्स्ट बुक की लिमिटेशन है। अब टेक्स्ट बुक में आपको सब, अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़े हो तो बायोकेमिस्ट्री में ये तो नहीं बताएगा कि भाई आपने घर कैसे खरीदना है, या वो ये तो नहीं बताएगा कि आपने हायर एजुकेशन कैसे लेनी है। उसका तो काम बायोकेमिस्ट्री पढ़ाना है, वो तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ाएगा, राइट? तो आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब ये ऐसा ही है कि मैं डेंटिस्ट के पास जाके कहूँ कि यार मेरी लैप्रोस्कोपी कर दो, वो कहेगा भाई व्हाट? तो आपको डेंटिस्ट के पास जाएं, अगर आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएं अगर आपने लैप्रोस्कोपी करवानी है, ठीक है ना? तो डेंटिस्ट से ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है कि यार मेरा क्या कहते हैं हर्निया हुआ तो उसका ऑपरेशन कर, डेंटिस्ट तो नहीं कर सकता। डेंटिस्ट का काम तो दांत साफ, दांत ठीक करना है, ठीक? तो पहले ये आइडेंटिफाई करना कि राइट बंदा कौन सा है जो कि मुझे ढूंढना चाहिए जिससे मैं बात कर सकूँ, और फिर आप जिंदगी आसान हो जाएगी। हमारे साथ और भी मेरे फेलो फ्रेंड्स हैं, अगर वो कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो वो भी अपने क्वेरीज दे सकते हैं। जी मैं सर से पूछ, वो खुद भी बात कर सकते हैं, मैं चाह रही हूँ कि बाकी सब भी जो है वो क्वेश्चन कर लें। जी जरूर। हमारे साथ अहमद ने आज ज्वाइन करना था लेकिन अहमद इसी वजह से वो नहीं कर सके, और सो इसलिए कोई अगर कोई और बात करना चाहे तो वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। यस सर, आप कंटिन्यू करें। सवाल पूछो किसी को, इलम आपको सवाल है, और घबराओ नहीं, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सवाल पूछो जो जहन में है। अब देखो ज्यादातर लोग कहाँ पर स्टक हो जाते हैं, ज्यादातर लोग स्टक किस पे होते हैं, करें क्या, कहाँ से शुरू करें, ठीक है? पता तो सब कुछ है, शुरू कहाँ से करें, भाई कहीं से भी शुरू कर दो। जब करना शुरू कर दोगे ना तो मोटिवेशन खुद ब खुद ही आना शुरू हो जाएगा, और कभी भी कोई भी बंदा स्ट्रेट रोड पे नहीं गया, स्ट्रेट रोड पे नहीं जाता, ठीक है? हम पीएचडी करें, पीएचडी में भी इतने स्ट्रेसेस होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, कभी ऊपर जाता है, कभी रिजल्ट आ रहा होता है, कभी रिजल्ट नहीं आ रहा होता, कभी मतलब एक्सपेरिमेंट्स करते हुए भी आपको, जब यहाँ पर हम साइंस को देखते हैं तो यहाँ पर भी जेन्युइन बंदे भी मिलते हैं, फ्रॉडिये भी मिलते हैं पूरी दुनिया में। तो ये दुनिया में, तमाम दुनिया में इंसान एक ही तरह के हैं, एक ही तरह की ख्वाहिश, एक ही तरह से उठते हैं, एक ही तरह से बैठते हैं, एक ही तरह से सोते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप सिर्फ हिम्मत करो कि आपने ये काम करना है, और जो चीज़ें जिनका फायदा बिल्कुल नहीं है उनको छोड़ दो, पॉलिटिक्स फॉलो करना बंद कर दो, ये हम टीवी देखना बंद कर दो। मैं हम टीवी स्पेशली नहीं कह रहा, भाई हम टीवी वाले पकड़ लें मुझे, तुमने हमारे हमें क्यों कह दिया कि बंद कर दो, यानी कि वो सारी चीजें जो कि आपको कोई फायदा नहीं उठा रहे, जिनसे कोई फायदा नहीं मिल रहा, उनको बंद कर दो। मोटिवेशन स्पीकिंग बंद कर दो, मोटिवेशन स्पीकिंग आपको मोटिवेट नहीं करेगी, आपको मोटिवेट करेगी फैसला करना कि आपने क्या फैसला किया। आप बड़े हो चुके हो, आप एडल्ट हो, 18 साल के बाद आप मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बन सकते हो, ठीक है? आप लीगली आप मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बन सकते हो, आप लीगली अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप लीगली मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हो क्योंकि आप एडल्ट हो चुके हो। तो अगर आप एडल्ट हो चुके हो तो डोंट आस्क या डोंट कंसिडर योर सेल्फ अ चाइल्ड स्टिल, ठीक है? फील दैट यू आर एडल्ट, फील दैट यू हैव बिकम, यू हैव गेन्ड 17 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। हमें सिर्फ ये फीलिंग नहीं डेवलप होती है अपने दिमाग में। और अगर आप पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में देखो तो यू आर जस्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन हु हैज गॉट द एबिलिटी टू गेट इन टू द यूनिवर्सिटी, ठीक? और यू शुड फील प्राउड इन योर सेल्फ कि आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला और आप यूनिवर्सिटी में आ गए और आपने यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ सीखा है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना है, ये कॉन्फिडेंस पैदा करना कि आई कैन डू इट। आप कुछ भी करना चाहते हो आप करना शुरू करो। टाइम हर एक को नहीं दो, प्लीज हर एक को टाइम नहीं दे सकते आप, ठीक है? और हर एक को खुश करना भी छोड़ दो, राइट? आप हर एक को खुश करो, ये सोचना भी मुझे मतलब मैं कोई भी काम करने लगती हूँ या करने लगता हूँ तो मुझे लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कहते। बहुत परफेक्ट बात कर दिया आपने, ठीक है? सही। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे अस्मा ने सी क्वेश्चन कर रही है, सर कैन आई अप्लाई फॉर पीएचडी डायरेक्टली इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड डीएनए ड्रग डिजाइन एंड मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स ड्रग्स आफ्टर द फार्मडी रादर देन एमफिल और मास्टर्स? बिग यस। अस्मा नसीर, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं आप अनम्यूट होकर आप बात कर सकती हैं, ये आपका अपना सेशन है।
ठीक है, अभी कोई और सवाल? और सर आप वो आपका वो मेरा क्वेश्चन स्टिल वहीं रह गया आपसे। मैं पूछ रही थी बड़ी बड़े माइंड की बड़ा फ्यूचर, आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, उससे नेक्स्ट क्या अब आप समझते हैं कि क्या करना है, वापसी का क्या सीन है कि मतलब लोग जाते हैं वापसी का कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं रखते हैं, तो आपका क्या ऑब्वियसली है? आई विल कम बैक, ऑब्वियसली आई विल कम बैक, क्योंकि जो हमारा फुलब्राइट का प्रोग्राम होता है वो फुलब्राइट का काम ही कल्चरल एक्सचेंज है, जो कुछ अमेरिका से सीखा है वो पाकिस्तान आकर सिखाए, और आई विल कम बैक डेफिनेटली। आई जस्ट केम हियर फॉर एजुकेशन, एंड मेरा जो मैंने पर्सनल स्टेटमेंट में भी लिखा है वो यही कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, और इतना ज़्यादा फार्मासिस्ट हैं कि आप सिर्फ स्टैटिस्टिक्स से गो के जाओ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे देखो कि कितने इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग करने की इजाज़त मिली हुई है और वो कितने स्टूडेंट्स एनुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं, फार्मासिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? तो चैनलाइज करने की ज़रूरत है उनको, उनको बताने की ज़रूरत है कि अब जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं वो करना छोड़ दो, उसके अलावा भी दुनिया देखो और एक्सपोजर तो लो, इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना बहुत ज़रूरी है। आप 4 महीने, आप 6 महीने के लिए आओ, साल के लिए आओ, 2 साल के लिए आओ, जब आप आओगे यहाँ पर तो आपकी बहुत सारी आदतें ठीक हो जाएंगी। मेरी आदतें बहुत सारी ठीक हुई, ठीक है। मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा कि मैं कभी किचन में नहीं गया था, कभी किचन में नहीं गया था, ठीक है, मतलब मुझे ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कभी किचन में जाने की, ठीक है। यहाँ पर आया तो मुझे किचन में जाना पड़ा, मुझे अचार गोश्त खुद बनाना पड़ा, राइट, तो तजर्बा लेना पड़ा, तो उसके बगैर गुजारा नहीं, ठीक। यहाँ पर सफाई इतनी ज़्यादा है, आप लोग बुरा मानते हैं, हमें सिर्फ एक चीज ये करनी है कि जो चीज जो बंदा डिजर्व नहीं करता ना, आप उसको मतलब जिम्मेदारी का मुजाहरा करना बहुत जरूरी है, जो बंदा गैर जिम्मेदार है हम उसको क्लैपिंग करना छोड़ दें, है। अगर हम गैर जिम्मेदार बंदे को या एक नॉन सीरियस आदमी को क्लैपिंग करना शुरू कर देंगे तो वो फिर सिस्टम हम एनकरेज कर रहे हैं उनको कि वो हमें मजीद एक्सप्लॉइट करें, ठीक है। तो मगर ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा रा उन लोगों को रिस्पेक्ट दो जो तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, तुम लोगों के पास बिल्कुल, आई मीन आई कैन से दैट विद 100% कन्विक्शन कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो टीचर्स हैं, जितना उनको पैसे मिल रहे हैं उसके हिसाब से वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। हम स्टूडेंट्स नहीं पढ़ना चाहते, मैंने देखा है पाकिस्तान से ही कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो, और जीपीए का भी पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों का जीपीए का सिस्टम है, लेकिन जीपीए को वो कंसिडर नहीं करते, सिर्फ जीपीए इज नॉट ओनली थिंग, वो जीपीए के साथ भी कुछ चीजें देखना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि ये जीपीए जो बना हुआ है लाइक 4 में से 3.9 है या 4 में से 4 है, तो ये क्या दूसरे इसके एरियाज में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर दूसरे एरियाज में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है जीपीए के अंदर कोई रोल है, ठीक है। तो वो इसी तरह से हम करते हैं ना, हम किसी भी बंदे को अगर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, आप लोग भी मुझे एनालाइज करोगे, नेचुरली करना चाहिए, ठीक है, सब सब लोग करते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि सच्ची बात जो है वो क्या है, रियल सिस्टम क्या है। और पाकिस्तान के अंदर भी देखो तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़ा बड़ा काम हो रहा है ना, राइट। आप एनालिसिस करो कि जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एनालिसिस करो कि जो पाकिस्तान में, पहले ये छोड़ दो छोड़ना कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत कुछ है, ठीक है, और सर एक सिर्फ क्वेश्चन है। और सिर्फ जी बिल्कुल मैं लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट नहीं है पाकिस्तान में, संजीदगी नहीं है, तो बाकी अभी भी जो लोग संजीदा है पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी राय तैयब खान सवाल करिए। सर हम देखते हैं कि फॉर्म डी के बाद पाकिस्तान में जो है ना, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कंफ्यूजन एक है माहौल के, हम क्या करें। तो एक तो बात आपकी मैं समझा कि हम स्टार्ट लें, तो उसके साथ फिर भी हम अगर जाएं, लोगों के पास फॉरेन का ऑप्शन है लाइक दुबई वगैरह, कतर या फिर कनाडा है, यूएस है, तो आपकी नजर में एक पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्या बेस्ट ऑप्शन है अगर वो पाकिस्तान में आगे कैरी ऑन करे, और अगर वो फॉरेन जाना चाहिए चाहे तो उसमें क्या ऑप्शन है, तो इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालें। मैं बिल्कुल इस पे टॉर्च के साथ रोशनी डालता हूँ। पहली बात अगेन, मैं इस पे ना एक छोटा सा शेर सुनाता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है, फिर उसके बाद मैं
आता हूँ उसके ऊपर, वहादत से तेरी मंजिल मन आशना हूँ मैं, वहादत से तेरी अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कह रहा है, मेरा दोस्त है जिसने ये शेर लिखा हुआ है, वहादत से तेरी मंजिल मन आशना हूँ मैं, कसरत में मगर रस्तों की उलझा हुआ हूँ मैं, कसरत में मगर रस्तों की कसरत में मगर रस्तों की उलझा हुआ हूँ मैं, हर रास्ता मुद्दई है कि मंजिल रसा हूँ मैं, यानी कि हर रास्ता ये दावा करता है कि मैं ही मंजिल पर पहुंचाने वाला हूँ, ठीक है, खाइफ भटकने से हूँ, यानी कि खौफजदा हूँ भटकने से, ठीक है, इसलिए ठहरा हुआ हूँ मैं। तो हम ठहरे सिर्फ इसी वजह से हैं कि हमारे पास रास्ते बहुत ज्यादा, ठीक है। सर एक रिप्लाई कर दूं शेर में जी, मिट जाए एक आन में हर कसरत नुमाया, हम आईने के सामने जब आके हु करें। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो मैं अब जो आपकी कसरत है ना रस्तों की, जो कसरत में मगर रस्तों की उलझा हुआ हूं मैं, राइट, तो ये समझ लो आज की दुनिया में रस्तों की कसरत है आप, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना आपका काम है। देखो दुबई में भी फार्मासिस्ट मौजूद है, कतर में भी फार्मासिस्ट मौजूद है, हमारे ही फार्मासिस्ट लिए हुए हैं, ठीक है, कनाडा में भी मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में भी मौजूद है, यूके में भी मौजूद है, अमेरिका में भी मौजूद है। मैं, मेरे से अगर पूछोगे तो मैं अब तुम लोगों को सारी बात नहीं बता सकता, मैं हर जगह पर नहीं पहुंचा हुआ भाई, जहां पर मैं पहुंचा हुआ मैं वो काम कर सकता हूँ, जहां पर कोई दूसरा पहुंचा हुआ उससे पूछो, उसको ईमेल करो, उसको गूगल करो, उसको लिंक्डइन पे ढूंढो, उसको ईमेल करो, लेकिन वो तुम्हारा ईमेल का जवाब क्यों नहीं देगा जब तक कि वो सेंस ना कर ले कि ये कमिटेड है, ठीक है। और ये कमिटमेंट वाला जो काम है ये आपको कॉपी पेंसिल पे करना पड़ेगा, आपको कॉपी पेंसिल पे लिखना पड़ेगा मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, राइट, और उनके हिसाब से। एक चीज में सिर्फ आपसे सिर्फ ये कहूंगा, प्लीज पैसे को लिमिटेशन ना बनाए, आपके पास बहुत पैसा है पहले से, आप अरेंज कर लोगे, आप लोन ले लोगे, आप चाचे से ले लोगे, ताए से ले लोगे, दोस्त से ले लोगे, आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है, आपके नेटवर्क में इतने लोग मिल जाएंगे आपको जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे, पहली बात, पैसे को लिमिटेशन ना समझो। दूसरी बात, ये हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि वो ये समझते हैं कि मुझे ये पैसे खर्च करने। दूसरी बात, जॉब्स बहुत है पाकिस्तान के अंदर भी, अभी भी राबिया आपके सामने बैठी हुई जॉब कर रही है, मैंने 18 साल की उम्र से लेकर अब तक एक दिन भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहा, ठीक है, मतलब आप किसी से भी जाके पूछ लो, मेरी मेरी जिंदगी तो नुमाया है ना, आप जाकर देख लो, मैं भी इसी फार्मेसी के कल्चर में पैदा हुआ, आई नेवर रिमेन अनएम्प्लॉयड, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस फॉर यू टू डू, ठीक। आपने कहा पाकिस्तान में क्या कर सकते हो, पाकिस्तान में भी इसी तरह से कमिट, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने सोचा कि हमने फार्मेसी में जाना है, जॉब स्टार्ट कर दी, लेकिन वो सीरियस थे, वो सुबह 8 बजे जाते थे, रात को 10 बजे आते थे, और आज वो उस फार्मेसी के मैनेजर हैं, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए कमा रहे, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आज आपने सोचा है और आप कल कहो कि मैं 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए कमाना शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो, और जॉब के दौरान भी जॉब भी करो और साथ में पढ़ाई भी करो, ऐसा ही होता है कि आप, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जॉब शुरू, और पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। मैं, मेरे साथ एक केली है, एक स्टूडेंट है, शुन है, एक स्टूडेंट है, दे आर डूइंग जॉब्स, राइट, बिकॉज दे हैव टू पे देयर रेंट्स, दे हैव टू, मतलब उनको अपनी गाड़ी में गैस डलवानी है, यहाँ पर पेट्रोल नहीं कहते, गैसोलीन कहते हैं, गैस डलवानी है, आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, यस आई कैन डू, और मोटिवेशन है छोड़ दो, मोटिवेशन की हमें जरूरत नहीं है, हम मोटिवेटेड हैं, बस हमें कमिटमेंट करने की जरूरत है तो भाई। अच्छा, उसका क्या नुकसान क्या होगा, कमिटमेंट कर लेते हो आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा ना, आप 6 महीने करो, आपको आइडिया हो जाएगा, आप लोगों के सिस्टम को एनालाइज करो, आंख बंद करके ना जाओ, जिस जगह पर भी जाओ, मैं जिस जगह पर भी काम किया है आंख खोल के देखता हूँ कि ये इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक, आप देखोगे ये इनका बिजनेस मॉडल क्या है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, चेक करोगे यूनिवर्सिटी का बिजनेस मॉडल क्या है, राइट, हर जगह पर आपको बिजनेस नजर आएगा, तो आप भी इसी तरह से एनालिसिस करो कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप किस तरीके से तरक्की कर सकते हो,
और अब देखो मैं जब जीशानुल हसन उस्मानी की बात करता हूँ, जीशानुल हसन उस्मानी कहाँ पर पैदा हुआ? सक्कर में पैदा हुआ। 18 बहन भाई थे उसके, 14 या 18 बहन भाई थे उसके, ठीक है। अभी ही इज डूइंग वेरी फाइन, बट ही इज कमिटेड, दैट इज व्हाई ही इज डूइंग वेरी फाइन। अब मैं साबिर की मिसाल दिया करता हूँ, साबिर मौजूद है। अब आई रियली टेल यू, ये जहन से निकाल दो कि दुनिया में बड़े लोग मौजूद नहीं है। दुनिया में बहुत ज्यादा बड़े लोग मौजूद हैं, और वो सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो संचिता है। राय तैयब, आपको कुछ मेरी बात से कुछ जवाब मिला या नहीं? जी जी मुझे काफी कुछ क्लियर हो गया। अगर कोई इसी में से मेरी बातों में से कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, क्लियर करके पूछो, घबराओ नहीं। अच्छा एक मजे की बात यहाँ पर मैं एक और मतलब छोटी सी बात है मैं कर लूँ, उसके बाद फिर आप उतनी देर में नोट कर लो तो मैं आपसे जवाब देता हूँ। यहाँ पर एक मजाया वाक्य है कि हमारे चेयरमैन है जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, चेयरमैन आम तो बंदों की तरह फेरा होता है यहाँ पर, आम बंदों की तरह बिल्कुल ऐसे जैसे आम बंदा होता है, ठीक है। उसको हमारी फैकल्टी में से एक बंदे ने हमारे प्रोफेसर ने उनको ईमेल किया, सर महवर, राइट। तो उन्होंने आगे से ईमेल का रिप्लाई किया, कॉल मी महवर। उन्होंने यानी कि जो फैकल्टी मेंबर थे उन्होंने उनसे कहा कि सर महवर, ठीक है। तो वापस उनको जब उनको ईमेल का जवाब आया तो उन्होंने लिखा कॉल मी महवर, और ये फैकल्टी जो थे उन्होंने फ़ोन कर दिया उनको कि सर आपने मुझे कहा कि मैं आपको कॉल करूँ। उसने कहा नो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे महवर नहीं कहो, मुझे महवर को आया मैं, राइट। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें ये शौक रहता है, इसका कोई फायदा नहीं, ठीक है, कोई फायदा नहीं, हमें ये कल्चर खत्म करना पड़ेगा। बदकिस्मती है हमारी, हम आज भी उन चीजों में उलझे पड़े हैं जिनका हमारी रियल लाइफ के अंदर कोई भी और ये जो सेशन है ये मैं हर हफ्ते किया करूंगा जब तक जिंदगी की है, जब तक अल्लाह ताला ने जिंदगी देता है मैं हर हफ्ते एक घंटा निकाला करूंगा आपसे बात किया, ताकि हम पहले ये गूगल गूगल और यूट्यूब वाले मसले से तो निकल आए ना। गूगल और यूट्यूब से जो चीजें पड़ी हुई है, यानी कि किसी से पूछने से पहले मुझे गूगल और यूट्यूब से पूछना जरूरी है, उसके बाद मैं किसी से पूछूंगा, ठीक। ये एक चीज लर्निंग है, ये आज की लर्निंग है कि आपने किसी से सवाल पूछ करने से पहले पहले ये चेक करना है कि क्या ये गूगल पे मौजूद है इसका जवाब या नहीं। अगर जवाब मौजूद है तो बहुत आसान है, जिंदगी आसान होगी। यूट्यूब पे जवाब इसका मौजूद है, बहुत आसान है, जिंदगी आसान होगी। लेकिन इन दोनों पे जवाब मौजूद नहीं है और कुछ स्पेसिफिक चीज है तो फिर आप मुझसे पूछो, और फिर तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है आपके, आप उसका जवाब अगर मौजूद नहीं है तो आप भाई उसका जवाब ढूंढ के यूट्यूब पे डाल दो ताकि अगले वाले बंदे को मिल जाएगा। जी मैं कहने हूं अपनी तरफ से अगला आप क्वेश्चन ले ले। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, घबराओ नहीं, खुल के बात करो। जिसका क्वेश्चन है नबील का क्वेश्चन। जी 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 यही सुना कि मिनिमम क्राइटेरिया 3.0 CGPA होना चाहिए बाहर अप्लाई करने के लिए। गलत गलत इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, 70 मेरे भाई 64% मार्क्स हैं, तुम तो मेरे से ज्यादा लाइक है। सर इसी तरह यूएसए में पढ़ा फ्रेंड, उन्होंने ही कहा था मुझे तो 3.0 होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, यानी कि स्कॉलरशिप इसलिए मिले कि आपको जब 3.0 CGPA होगा आपका, तो मेरा तो 2.9 बन रहा है, इसलिए मैं ज्यादा कंफ्यूज था। नो प्रॉब्लम भाई, कंफ्यूज होना बंद कर दो, कंफ्यूजन खत्म कर दो। अभी जो मैंने, हम चार बंदों ने
फुल ब्राइट के ऊपर एक प्रोग्राम किया, और वो फुल ब्राइट के ऊपर तो है, अगर वो तैयारी कर लोगे तो उसके बाद उस तैयारी से आप डायरेक्ट एडमिशन भी कर सकते हो। सिर्फ वही चीजें जो कि वो फुल ब्राइट में करनी है ना, वो अब आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करोगे, ठीक है। और ऐसा मैं जो मजे की बात ये कि उससे पहले हमाद भाई ने एक सेशन किया था, उसमें उन्होंने बताया कि मेरे साथ जो बंदा था उसका 2.5.4 जीपीए था, लेकिन उसका जीआरई के अंदर 330 स्कोर था, ठीक है। तो नॉट नेसेसरी के वो एक चीज को नहीं देखते, मैं फिर कह रहा हूँ वो एक चीज को नहीं देखते, ठीक है। तो पांच चीजों को देखते हैं आप अगर एक मीडिया में, और कोई भी बंदा, अच्छा एक और बात मजे की बात है हमारी शख्सियत के हवाले से, भाई आपको इर्द गिर्द दुनिया में वली कोई नहीं मिलेगा आज की दुनिया में, ठीक है। और ये ढूंढना भी छोड़ दो वली, ठीक है। हर शख्सियत जो पैदा होती है उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स होती है और कुछ वीकनेसेस होती है, ठीक है। मैंने जितने भी अपने मेंटर्स देखे हैं, मैं उनसे बहुत ज्यादा उनका मोहतरम हूं और उनसे उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता है कि आप उनको बस उनके चरणों में बैठ गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप कुछ चीजें कुछ शख्सियत से सीखोगे, आपको हर चीज का जवाब एक शख्सियत से नहीं मिलने वाला आज की दुनिया, ठीक है। आपको ये अगर सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ ये जवाब जो है वो एक चीज से जगह से मिल जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। और ये ढूंढना उस पर भी जुल्म है, उस बंदे पे भी जुल्म है। मतलब आप मुझे ये पूछो कि भाई बिजनेस कैसे करना है, मैंने खुद बिजनेस नहीं किया तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा बिजनेस, ठीक है। तो मुझे ये तवक्को ना करो कि मैं तुम्हें बिजनेस सिखा सकता हूँ। हाँ, तुम मुझे ये तवक्को करना चाहते हो कि भाई सर पढ़ते कैसे हैं, या पढ़ाई के सिलसिले में आगे कैसे पढ़ सकते हैं, प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। अमरीका कैसे आ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। और ये जो सवाल है, ये सवाल हल हो चुके हैं पहले से। सवाल किसने किया था, नबील ने किया था। तो नबील, मैं आपको ये बिल्कुल हौसला दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट के साथ जीआरई और मैथ्स करना शुरू कर दो। मैथ के लिए और कुछ नहीं, तो मैं आपको इधर बिजनेस मॉडल बता देता हूँ। किसी भी ओ लेवल के स्टूडेंट को पकड़ लो और उसको ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो, D1 D2 D3 का मैथ पढ़ाना शुरू कर दो बस। मैंने ऐसे ही पढ़ा, मैंने ना जीआरई की कभी तैयारी की ना टॉफल की तैयारी की, लेकिन मैंने ट्यूशन बहुत पढ़ाई। उन ट्यूशन को पढ़ाने का फायदा ये हुआ कि मेरी जीआरई की भी तैयारी हो गई और टॉफल की भी तैयारी हो गई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। और कोई सवाल? हमारे साथ जो है यूसीपी के स्टूडेंट्स भी साथ हैं, नबीरा शहजादी हैं। आप कोई क्वेश्चन करना चाहें आप कर सकती हैं, मेरी फ्रेंड है। घबराओ नहीं भाई, देखो अभी नबील ने सवाल किया, हिम्मत करके कि यार पूछ लूं, क्यों रिकॉर्ड हो रहा ना, तो हमें लगता है कि पता नहीं मैं स्टूपिड। भाई मैंने जिंदगी में इतने स्टूपिड सवाल पूछे हुए हैं, इतने स्टूपिड सवाल पूछे हुए हैं, मैं जब तक स्टूपिड सवाल नहीं पूछूंगा तो मैं इंटेलिजेंट सवाल कैसे पूछूंगा, ठीक। तो भाई पहले थोड़ा सा हिम्मत पैदा करो गलती करने की। हमें पाकिस्तानी या हमारे एजुकेशन सिस्टम का ओवरऑल ग्लोबल इशू है कि हमें सवाल करने से डराया जाता है कि पता नहीं यार दूसरे कहेंगे कि क्या यार अजीब तरह का सवाल पूछा है। बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हुई हैं, ठीक है। और कोई भी शख्सियत जो बड़ी हुई है उसने गलती, ऐसा कोई भी मुझे आज तक नहीं बंदा मिला जिसने गलती नहीं की। गलतियां करके ही सीखते हैं, ठीक है। आपको खुल के बात करो जी। जी राय सर, क्वेश्चन ये है कि सर अगर यूएस में जिस तरह या कनाडा में आप अभी आई एम नॉट श्योर है कहां पे थे, तो वहां पे जाने के लिए क्या तरीका, कहां वहां पे जाने का क्या तरीका कार है, और उसमें हम जो है टीचिंग में या फिर रिसर्च में या इन डिफरेंट चीजों में या स्कॉलरशिप पे या सेल्फ पे, इन तीन चार मेथड्स में क्या क्या जो है बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए? अगेन राय, मैं ये सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि आप अपने बारे में जानते हो बेहतर कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये सारे रास्ते मुमकिन हैं। अगर आप अमेरिका में आना चाहते हो तो उसका मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। आपको स्टार्ट करना है जीआरई और टॉपिक से, ठीक है। अगर आप कैनेडा जाना चाहते हो तो कैनेडा के मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लिंक्डइन पे जाओ और कनाडा में जो पीएचडी कर रहे हैं लोग उनसे
ठीक है, और पहले इस बात को क्लैरिटी से जवाब दो, व्हाई टीचिंग, व्हाई, इसका जवाब कुछ भी निकला है, आप इसका क्लैरिटी के साथ आप इसका खुद से जवाब दो अपने आप को कि मैं टीचिंग या रिसर्च क्यों करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, अगर आप रिसर्च करना चाहते हो फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो गूगल स्कॉलर, और अब रिसर्च एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और रिसर्च में बेहतरीन रिसर्चर क्या होता है, बच्चा होता है, मतलब एक नोबेल लॉरिएट है, उनका एक कोट मैं पढ़ा रहा हूँ, साइंटिस्ट्स आर पेड फॉर बीइंग चिल्ड्रन। ये मेरा जुमला जो है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप क्या समझ आया वो मुझे उसका तर्जमा कर दो उर्दू में। सर, बीइंग चिल्ड्रन मतलब ये कि वो जो है छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लाइक चिल्ड्रंस, आप गलती भी कर सकते हैं कुछ भी, तो उनके पास जो है मतलब अनलिमिटेड ऑप्शंस है, उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए आजाद है। हाँ, लेकिन मेरा जो इसका जवाब है वो ये है, साइंटिस्ट को बच्चा बनने की तकलीफ होती है, बच्चा जो है सवाल। मैं अपनी बेटी है तो वो मुझे मतलब पूछती है, मतलब एक सवाल पूछे, व्हाई ट्रीज आर ग्रीन, राइट, व्हाई द रेड लाइक द सिग्नल्स लाइक देयर आर देयर इज ग्रीन एंड रेड, तो उसका जवाब मौजूद है। लेकिन अगेन, अब ये भी एक समझने की जरूरत है कि वो इस तरह के सवाल नहीं पूछते साइंसदान, वो एक स्पेसिफिक फील्ड में सवाल पूछते, ठीक है, वो स्पेसिफिक फील्ड का चुनाव किस तरह से कर सकते हो या उसका इंतखाब कैसे कर सकते हो, पहले आप जो पहले से लोग मौजूद हैं और बहुत ज्यादा मौजूद हैं, ढेरों ढेर पाकिस्तानी मौजूद हैं, इंडियंस मौजूद हैं, लिंक्डइन पे मौजूद हैं, आपने पहले उनको ये बताना है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ रिसर्च करने के लिए, ठीक है, तो मैंने अभी तक ये काम किया है। अच्छा, मैं अपना तजर्बा बताता हूँ कि मुझे रिसर्च का कैसे पता चला, राइट, मैं किंग बी फार्मेसी, हमारे दौर में तो फॉर्म डी में कोई रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं होता था, कोई ऐसा चक्कर नहीं था, बी फार्मेसी फॉर्म डी हमने किया तो कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि उस वक्त इतना था ही नहीं, ठीक है, तो एम फिल करने गया किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर मुझे कैमकाना लैब मिल गई, कैमकाना लैब बहुत, और पाकिस्तानियों ने बनाई हुई है, यानी कि पाकिस्तान में जो नॉर्थ अमेरिकन के डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने वहाँ पर एक लैब बनाई हुई है और उसको कैमकाना लैब कहते हैं, उसमें कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं और उसमें बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, मुझे याद है वहाँ पर मैंने 60 GB डेटा जो है डाउनलोड किया था और उसी से मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, और वहाँ पर मुझे पता चला था पहली दफ़ा कि रिसर्च होती क्या, मतलब यानी कि रिसर्च पेपर कैसा होता, रिसर्च पेपर पढ़ते कैसे, ठीक है, और बहुत सारे ढेर सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े, तो उस वक्त मैंने काम किया था ओबेसिटी के ऊपर, लेप्टिन एक चीज निकली थी उन दिनों में, लेप्टिन एक प्रोटीन है जो कि ओबेसिटी का कॉज समझी जाती है, ठीक है, तो वो काम किया मैंने, उसे मुझे आइडिया हो गया कि मुझे अब लेप्टिन पे काम करना, फिर मैंने दूसरा जो एमफिल किया था वो फार्मास्यूटिकल्स में किया, ठीक है, तो आप लोग, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ यूसीपी के स्टूडेंट्स तो ब्लेस्ड है कि उनको कम से कम, मतलब मेरे साथ यूसीपी के स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैंने यहाँ पर अमेरिका में बैठ के पेपर्स लिखे हैं, ठीक है, कुछ आपके ही क्लास फेलोज हैं जिनके साथ मैंने बैठ के पेपर लिखे हैं, ठीक, तो रिसर्च उनको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिली मुझसे मेरे साथ काम करने की, मतलब इसमें मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं देता, इसलिए देता हूँ कि मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उस फील्ड में मेहनत की है, तो मुझे पता है कि रिसर्च पेपर क्या होता है, रिव्यू पेपर क्या होता है, साइंस आजकल कहाँ जा रही है, फाइजर की वैक्सीन आई है जैसे आप देखते हो, मॉडर्ना की वैक्सीन आई है, mRNA बेस्ड वैक्सीन है, ठीक है, तो ये mRNA बेस्ड जो वैक्सीन हैं, ये mRNA बेस्ड वैक्सीन कैसे काम करती हैं, बीइंग साइंटिस्ट आई नीड टू नो, ठीक है, हमें प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाई जाती है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का पता है, हमने पढ़ा है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से ड्रग्स कैसे बनती हैं या बन रही हैं, वो कैसे बन रही है, उसका पता चलाना जरूरी है, ठीक है, फार्मूलेशन जैसे बनानी है तो फार्मूलेशन, आजकल फार्मूलेशन में क्या चल रहा है, क्या इंसुलिन को हम इनहेल करके दे सकते हैं, ठीक, ये भी टॉपिक हो सकता है, तो अगर आप फार्माकोग्नोसी में जाना चाहते हो तो आप देखना चाहते हो कि भाई ये दवाई फोक मेडिसिन के अंदर, इसका मैंने देखा फॉर इंस्टेंस जिंको बायलोबा है या क्या कहते हैं इस तरह की जो ड्रग्स हैं जिनके इस्तेमाल हो रही हैं उनका साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है, तो आप उनका साइंटिफिक एविडेंस दो, तो वो कैसे होगा, थोड़ी सी किताबें पढ़ो जिन साइंसदानों ने लिखी हुई है, ठीक है, और वो साइंसदानों ने सिर्फ रिसर्च पेपर नहीं लिखे हुए, साइंसदानों ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी हैं, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट पर्सनली मेरा इंटरेस्ट है माइंड ओवर बॉडी के ऊपर, एक मेरा साइड इंटरेस्ट है, मतलब माइंड ओवर बॉडी,
राइट, ये आजकल बहुत ज्यादा काम हो रहा है इसके ऊपर, जीन थेरेपी पे आजकल बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, मॉलिक्यूलर मेडिसिन के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है, प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। आप बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनका आगाज कर सकते हो, जिनके ऊपर सोच सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। जी If anyone have any other question? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नबीरा हियर फ्रॉम यूसीबी। मैं बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल ईयर स्टार्ट हो गया मेरा। Wonderful, wonderful. I appreciate it. Yes. What is your question? सर मैंने क्वेश्चन ये पूछना था कि यूसीबी में हमारे जो टीचर्स हैं ना, उन्होंने हमें स्टार्ट में ये रेफर किया था कि हमारे पास तीन चॉइसेस होती हैं, आप रिसर्च वर्क कर सकते हो, इंटर्नशिप या रिव्यू। तो रिसर्च वर्क का तो कहते हैं कि वो मतलब ऑब्वियसली इन दोनों से ज्यादा बड़ी चीज है, लेकिन वो इंटर्नशिप को बिल्कुल बॉदर नहीं करते। अच्छा, तो पहले तो मैं ये पूछना चाहती थी कि इंटर्नशिप को इतना कम क्यों समझा जाता है, क्योंकि इंटर्नशिप में भी अगर आप सही तरह से काम करते तो ऑब्वियसली आपके पास नॉलेज तो आता ही है। सेकेंडली वो ये चीज भी मेंशन करते हैं कि अगर आप एक अपनी डोमेन में हो तो आप अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज को साइड पे रखो, उनको अपनी डोमेन के बीच में मत आने दो। हालांकि मेरा मानना ये कि अगर जितना आप कोकरिकुलर एक्टिविटीज करते हो उतना आपका मेंटल लेवल भी शार्प होता है और शायद आपको उतना